संतोष देवी प्रियंका नॉलेज बैंक में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आप सबको ढेर सारा प्यार और मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, भाई बहनों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आनंदमय कुशल से होंगे। तो आज हम आप सबके लिए बना रहे हैं कोकोनट बर्फी। तो क्या बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों? कोकोनट बर्फी। कोकोनट बर्फी खाने में बहुत अच्छी लगती है, ये सभी को पसंद है और बनाने में भी आसान है। तो चलिए बनाते हैं। हम गैस जला दी है, अब हम कढ़ाई रख रहे हैं। अब हम 3 चम्मच देसी घी डाल रहे हैं। ये भैंस का ताजा फुल क्रीम 1 कप दूध है। ये 1 कप मिल्क पाउडर है। गैस को हमें मीडियम रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है। मीडियम आंच पर इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे और लगातार चलाते रहेंगे। चलाएंगे नहीं तो ये तली में चिपक जाएगा। ये घर से बनने वाली मिठाई है। 1 कप पिसी चीनी डाल रहे हैं। ये 2 कप नारियल का बुरादा डाल रहे हैं। इसे अच्छे से चलाते हुए मिला लेना है और आंच धीमी रखनी है। अब गैस को बंद कर देते हैं। अब ये जमने की स्थिति में आ चुका है। अब इसे ग्रीस की हुई ट्रे में पलट देते हैं और इसे ट्रे में फैलाकर प्लेन कर देते हैं। कटे पिस्ते से गार्निशिंग कर देते हैं। अब कटे बादाम से गार्निशिंग कर देते हैं। अब हल्का सा इसे दबा देते हैं। अब इसे आधा घंटा जमने के लिए छोड़ देते हैं।
ये सेट हो चुकी है, अब इसके पीस काट लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, ये नारियल बर्फी आप अपने घर पर जरूर बनाइए और खाइए, खिलाइए, और अपना अनुभव प्रियंका नॉलेज बैंक पर जरूर शेयर कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, नारियल की स्वादिष्ट बर्फी बनकर तैयार है। नारियल की बर्फी बहुत अच्छी बनी है, बहुत स्वादिष्ट बनी है और देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, हमारे चैनल के सदस्य जरूर बनना, हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारा हौसला इसी तरह से बढ़ाते रहना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहो, आनंदित रहो। बाय बाय।